तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो मर्च का आ जाएगी। नहीं वैसे आ गई तो कोई खराबी नहीं है क्योंकि अपने साथ में लेकर आती हूँ इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, जहाँ पर मैं आपको अपने देश के ऐसे पहलू दिखाऊंगी जहाँ आपने पहले ना देखे हैं ना सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम हैं चंबल की घाटियों में, ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूर पर है ये चंबल। और चंबल के बारे में हमने सुना क्या है, चंबल की नदियाँ, चंबल की घाटी एंड ऑफ कोर्स चंबल के डाकू। तो क्या आज हमें डाकू मिलेंगे, चलिए पता करते हैं। अगर आप ग्वालियर आए तो यहाँ के पास के भिंड इलाके में जरूर आए, यहाँ के रेवाइंस बिल्कुल ही अलग फील देती है। सड़क तो क्या यहाँ पे पगडंडी भी नहीं होती, यहाँ के ऊपर नीचे की रवाइंस में 1 किलोमीटर चलने में 5 के बराबर मेहनत लगती है और छुपने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। चंबल घाटी का लैंडस्केप और यहाँ के लोगों का मिजाज जरा मिलता जुलता है, यहाँ की मिट्टी की तरह उनका मूड भी काफी रूखा सूखा रहता है। अब मुझे शोले कितनी पसंद है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मोहर सिंह से मिलने का बड़ा एक्साइटमेंट है। भाई साहब नमस्ते, मोहर सिंह जी का घर किधर होगा? इधर है, हाँ सीधा आगे। थैंक यू। मोहर सिंह 70s के जाने माने डाकू, अपनी जेनरेशन के वो अकेले ही डाकू बचे हैं और सुना है वो काफी गुस्सेल हैं। हेलो, हाय, यहाँ पे एक फेमस डाकू रहते हैं। तुम्हें तो पता है नाम क्या है उनका? मोहर सिंह गुर्जर। करेक्ट, ताई दे। अच्छा कहाँ रहते हैं? उसामा चल के रहती है। उधर से? उनके पास गन है क्या? है। घोड़ा है क्या? नहीं। बसंती है क्या? उधर ना सामा। थैंक यू। देखती हूँ कि फिल्मी डाकू और असली डाकू में कितना फर्क होगा। मोहर सिंह जी, मोहर सिंह जी आप? ओ नमस्ते। नमस्ते, बैठो बैठो। आप बैठ रही हूँ। आप कहाँ से आए? जी मैं मलिष्का, 2 मिनट आपसे बात करनी थी। मोहर सिंह जी जिनसे मिलने के लिए मैं बहुत दूर से आई हूँ, और मोहर सिंह जी नमस्ते। नमस्ते, अच्छी बात है दूर से आए तो खुशी की बात है। मेरे शूटिंग का सामान एक अलग चीज है, मेरे पास तो कैमरा है। हाँ। आपके शूटिंग का ये असली गन है? हाँ, असली है। ये वही गन है जो आप 70s में? नहीं, वो तो जमा हो गई हाल ही। हर डाकू की फिल्म में अगर हमने देखा है तो डाकू घोड़े पे होता है। वो घोड़े पे होते हैं ना, वो गन है वैसे। मतलब गलत है? गलत है, घोड़े डाकू कभी रखते ही नहीं है जंगल में, घोड़े काम नहीं कर सकते जंगल में। पहले आप मुझे बताइए कि आप डाकू क्यों और कैसे बने? डाकू ऐसे आपसी झगड़े में बने, जमीन संबंधी झगड़े थे, झगड़ा हुआ, गोलियां वोलियां चली, मारे मूरे गए, डाकू बन गए। हमारे क्षेत्र में तो कानून का सारा बहुत कम लेते हो आदमी। कानून के लंबे हाथों से बचकर मोहर सिंह अपने समय में एक अमीर व्यक्ति को टारगेट कर किडनैप कर लेते थे, जिसे पकड़ कहा जाता था, और फिर उसके एवज में फिरौती यानी रैंसम लिया जाता था। वो कभी भी आम आदमी को परेशान नहीं करते थे। शायद इन्हीं कारणों से मोहर सिंह इतने पॉपुलर हैं। इनफैक्ट वो यहाँ के ग्राम प्रमुख का चुनाव भी जीत चुके हैं। वाह, डाकू का सीधा नेता बनना,
काफी यूनिक है ना। डाकू मतलब एक प्रोफेशन जैसा बन गया यहाँ पे। यहाँ ये भिंडी जिले में आज से नहीं है, ये तो सदियों पुराना चल रहा है, यहाँ का पानी ही ऐसा है। मोहर सिंह के साथियों ने बताया कि आजकल वो इतनी लंबी बातचीत नहीं करते, तो मैंने सोचा चलो ये सही समय है यहाँ से खिसक लेने का, कहीं बोली के बजाय गोली न चल पड़े। चलिए ग्वालियर में रात होने से पहले ही एंट्री हो गई। मोहर सिंह के यहाँ के टेंस माहौल के बाद कुछ मीठा हो जाए, चलते हैं बहादुरा स्वीट्स, जो कि ग्वालियर की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है। और कहा जाता है कि इनके लड्डुओं का स्वाद तब से लेकर आज तक जरा भी नहीं बदला। शर्मा जी, आपके लड्डू कहाँ हैं? मतलब आपके हाथ का। 80 साल पहले बहादुरास की शुरुआत की थी पंडित बहादुर प्रसाद शर्मा ने। इस दुकान में कई जाने माने हस्ती आ चुके हैं, खास करके इन्हीं मशहूर लड्डुओं के लिए। हर रोज यहाँ करीब 100 किलो लड्डू बनते हैं, जो ज्यादातर शाम होने तक खत्म भी हो जाते हैं। यार हमारे बड़े बड़े ग्राहक यहाँ आते थे, रेगुलर बैठ के यही सामने खड़े होकर खाते थे। हमारे बम्बई से कोई मंगाता है? बम्बई से हर साल धर्मेंद्र जी के बर्थडे पे मेरा छोटा भाई उनके यहाँ जाता है। अरे ऐसे? उनका फैन है यार। धर्मपाल जी लड्डू खाते खून नहीं पीते। इनकी बात सुन के तो ऐसा लगता है कि ग्वालियर का हर मशहूर व्यक्ति बहादुरा का फैन है, पर इनकी फैन लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। लीजिए इतने सारे लड्डू, होते हैं अच्छे, आप खाके देखिए। पर इसमें घी है, आजकल की जनरेशन एक भी नहीं, इतना नहीं खाती है। ठीक है, आप खाइए तो सही। एक आप एक में क्या हलवाई खुद के बनाए हुए मिठाई खाएंगी? मजे है। चर्स चर्स चर्स। ओके, ये चाहे साधारण घी में बने हो लेकिन फिर भी इतने मशहूर क्यों हैं? ये राज तो आपको इसे खाने के बाद ही पता चलेगा। तो जनाब चखने बहादुरा जरूर आइएगा। आज मैं एक खौफनाक डाकू से मिली और उसके बाद लड्डू से पेट पूजा हुई, अब मुझे मिलना है रॉयल्टी से। अगला डेस्टिनेशन जय विलास पैलेस, जो कि पहली झलक में ही ये बता देता है कि अंदर से ये कितना शानदार होगा। इस पैलेस का डिजाइन उस समय के मशहूर इटालियन आर्किटेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोस ने किया था और ये सन 1809 में बनकर कंप्लीट हो गया था। पैलेस के अंदर आते ही इसका इटालियन स्प्लेंडर बखूबी झलकता है। व्हाइट कलर्ड पिलर्स इसको एक ग्लोरियस और मैग्निफिसेंट व्यू बनाते हैं। मन तो कर रहा है कि सारा दिन इस शानदार पैलेस में घूमूं, पर पहले मुझे महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया से मुलाकात करनी है। देखिए, हर किसी को ग्वालियर के जयविलास पैलेस के इस दरबार में आने का मौका नहीं मिलता, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ भाई? स्पेशल इनवाइट, महारानी साहिबा, मिसेस सिंधिया। मिसेस सिंधिया का खास इनवाइट है भैया आज इस पूरे महल को देखने के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ आई एम अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ रॉयल्टी। नमस्ते। हु बेटर देन अ महारानी टू टेल अस कि ग्वालियर की क्या खास बातें हैं? ग्वालियर में हर एक जगह खास बातें हैं। देयर आर मेनी मेनी स्टोरीज इन ग्वालियर दैट गो वेल बिफोर द सिंधिया हिस्ट्री इवन बिगन हियर। द फोर्ट व्हिच इज मैग्निफिसेंट, बाबर कॉल्ड इट द पर्ल ऑफ इंडिया। The palace, the museum here, beautiful architecture, beautiful artifacts. आज कल के जमाने में, modern generation में रानी का क्या role होता है, apart from being beautiful of course, क्या role होता है? Like every other housewife, which is what I am, my first and foremost role is that I'm the mother of two amazing kids. And secondly, of course, looking after my husband and making sure he's happy and comfortable as well. Apart from that, आपने घर तो देख ही लिया है। घर? मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महारानी मुझसे दरबार हॉल में मिलेंगी।
अगर मेरी माने तो शायद पूरे इंडिया में कुछ ही ऐसे चुनिंदा हॉल्स होंगे जो इसकी तरह भव्य हैं। इसको पहली बार रंगने में 58 लीटर असली गोल्ड पेंट इस्तेमाल हुआ था, पर इसकी खूबसूरती चार चांद होती है इन दो ग्रैंड शैंडिलियर्स से, जिनका कंबाइंड वेट 3 से 4 टन के आसपास है। पता है इनको टांगने और छत की मजबूती को परखने के लिए इसके डोम पर 8 हाथियों को चढ़ाकर काफी समय तक रखा गया था। महारानी साहिबा, वन लास्ट थिंग बिफोर गोइंग, आपको मेरा नाम याद है ना? यू रिमेम्बर माय नेम? मरिष्का। अब पूछे मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? क्यों? पता है आपकी प्रजा के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अगर महारानी और महाराजा को आपका नाम मालूम है तो आप तो कभी गरीब रह ही नहीं सकते। ऑलराइट, तो मैं आपके इस ब्यूटीफुल से महल को नजदीक से निहार लूँ? मुझे लगता है वो शायद अच्छा आइडिया रहेगा। नहीं, महारानी की स्पेशल परमिशन से मुझे दरबार हॉल का टूर करने को मिला। ये एरिया आम लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है, इसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें करीब से दिखाती हूँ जो कि महारानी ने मुझे खुद बताई हैं। यहाँ के सबसे स्पेशल कलेक्शंस में ये हाथी दांत पे काव की गई पूरी रामायण कुछ खास ही चीज है। इसमें पूरे के पूरे 16 कांड कार्ड है। भाई वाह, कितना विशाल हाथी रहा होगा, क्या ये भी छत पे चढ़ा होगा? एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेजेंड है। महाजी सिंधिया, जो सिंधिया फैमिली के फर्स्ट नोन रूलर थे, वो एक बार छांव में सोए पड़े थे। उनके सर के ऊपर एक कोबरा पाया गया जो उनको धूप से बचा रहे थे। दिस वॉज ऑल्सो प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रेटनेस। आपको पता है आज भी सिंधिया फैमिली के कोट ऑफ आर्म्स पर ये दो कोबराज अलॉन्ग विद द सन फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। सॉलिड ना? उस जगह बैठी हुई हूँ जहाँ पर सिंधिया रॉयल फैमिली के साथ साथ कई रॉयल फैमिलीज और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने डिनर किया हुआ है, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। 1902 में जब किंग जॉर्ज यहाँ आए थे तो इस जगह को काफी मॉडिफाई किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर आई ये नायाब चीज, नॉट फॉर हिज ट्रांसपोर्टेशन, ताकि खाना पास हो सके। कहते हैं जब इस ट्रेन के सामने रॉयल्टी बैठती है ना, तभी ये चलती है। Not gonna move, is it? जयविलास पैलेस का टूर करके ये साफ समझ आ जाता है कि सिंधिया डायनेस्टी मॉडर्न इंडिया के इतिहास में कितनी सिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंशियल और प्रॉस्परस रही है। एंड द यंग महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया इसको एक एलिगेंट, ग्रेसफुल, हम्बल येट मॉडर्न तरीके से रिप्रेजेंट करती है। सुंदर महल के बाद एक विशाल किला, जयविलास पैलेस में एक अमेजिंग डे बिताने के बाद मैं जा रही हूँ टू द वेरी फेमस ग्वालियर फोर्ट। मैं जा रही हूँ इस वक्त ग्वालियर के फोर्ट की तरफ, जहाँ मेरा गाइड गौरव मेरा इंतजार कर रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ग्वालियर फोर्ट, क्योंकि 8th सेंचुरी से लेकर पिछली सेंचुरी तक जिस रूलर ने भी इस फोर्ट को कॉन्कर किया है वहाँ पर अपने नाम का चिन्ह छोड़ गया है। एक टेम्पल बनवा लिया, एक पैलेस बनवा लिया, एक बैरक बनवा ली। सो द आर्किटेक्चर इज एब्सोल्युटली मार्वेलस। भाई साहब, ग्वालियर फोर्ट जाना है। में अपने पति की मौत के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। लक्ष्मीबाई भारत के इतिहास के सबसे जांबाज रूलर्स में से एक थी।
1858 में वो बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश फौज से लड़ी और शहीद हो गई। अंग्रेज उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और जनरल ह्यू रोज ने उनके बारे में कहा कि द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल रेबल्स। पर जैसे ही मैं ग्वालियर के इस हिस्टोरिकल फोर्ट की तरफ चढ़ने लगी, मुझे दूर से भीड़ में चल रहे एक तमाशे का एहसास हुआ और मैं जैसे ही पास गई, मैंने सूरमा लगाने का बहुत अनोखा तरीका देखा। आंखों में काजल लगाने के लिए हम लड़कियां तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती हैं, पर क्या लड़के अलग होते हैं चाकू से सूरमा लगाना? आंखों में काजल लगा रहा हूँ। मिली अमजद खान से, ये जनाब अपने आप को लाखों में एक साबित करने के लिए ये करते हैं। ये चाहते हैं कि इनका हुनर टीवी पर दिखाई दे। और पहली बार कैसे किया तुमने, मतलब क्या इंस्पायर कैसे हुआ? साबस इंडिया शो देखता था मैं, और ना एक से एक मैंने खतरनाक उसमें स्टंट देखे, तो मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर डोंट ट्राई दिस एट होम, इसके साथ करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। सच्ची मुच्ची कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। तुम करो, मैं लोगों को बताती हूँ दैट दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। साहिबान मेहरबान कदरदान। चलिए, इनकी तमन्ना तो मैंने पूरी कर दी। भाई, हमारे देश में लोग थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए कितने अजीबोगरीब और खतरनाक शौक पाल लेते हैं, है ना? ये दुनिया का सबसे डेंजरस सूरमा होगा। ओ मेरे सूरमे, अपना ख्याल रखना, समझे? ओके। अभी मैं ग्वालियर फोर्ट देखने जा रही हूँ, तुम अपने आंखों का ख्याल रखना क्योंकि ऐश्वर्या राय ने एक ही पैर देने का वादा किया। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। गौरव। गौरव इस शहर के एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और हिस्ट्री से इन्हें खास लगाव है। ग्वालियर शहर के बारे में ये अपनी एक वेबसाइट चलाते हैं। इन्होंने जिम्मा लिया है मुझे ग्वालियर फोर्ट के आसपास की जगह दिखाने का। ये चतुर्भुज टेंपल है, 9th सेंचुरी का टेंपल है और इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। गौरव ने मुझे दिखाया छत्रभुज मंदिर। ये मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। भगवान विष्णु के इस मंदिर की दीवार पर शून्य यानी जीरो का सबसे पुराना प्रमाण पाया गया है, जो कि करीब 1200 साल पहले इस मंदिर की दीवार पर लिखवाया गया था। वो पोयम का डेट है 57 बिफोर क्राइस्ट, जब का वो नोटेशन दे रहा है। ओके, तो मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जा सकती हूँ, देख लीजिए क्या। ओके, लेकिन कैमरा, आप मेरे साथ नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपके लिए फोटो जरूर लेनी है। ये 2, 7 और 0 का फिगर दो मंदिरों के बीच हुए समझौते को दर्शाता है, जो कि एक पोयम के रूप में लिखा गया है। ये है ग्वालियर पैलेस का एक हिस्सा, इसी को देखने में मेरी आधी जिंदगी निकल जाएगी ऐसा मुझे लगता है। गौरव, कितना वक्त लगेगा पूरा ग्वालियर फोर्ट देखने में? आई थिंक 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन? कितना बड़ा है ये? ये आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो आपको 3 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। हाँ। और विड्थ है अराउंड 350 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। 8वीं शताब्दी में यहाँ के स्थानीय मुखिया ने ग्वालियर का किला बनवाया था और संत ग्वालिपा के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर रखा गया था। ग्वालियर शहर के ऊपर पहाड़ी पर बने इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शहंशाह बाबर तो इसे हिंद के किलों के हार का मोती कहते थे। बीते सैकड़ों सालों में ये किला कई हाथों में गया, जैसे तुमार, मुगल, मराठा और ब्रिटिश, जिन्होंने आखिर में ये किला सिंधिया के हवाले कर दिया। ये किला 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और यहाँ से ग्वालियर शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। किले की देखने लायक चीजों में से एक है मान मंदिर पैलेस। ये पैलेस अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि बाहर से है। इस किले का एक रहस्य भी है। पूरे किले के नीचे कई सुरंगें बनी हुई हैं, जो उस समय ना सिर्फ मुसीबत के वक्त राजाओं के भागने
बल्कि उनका खजाना छुपाने के लिए भी काम आती थी। माना जाता है कि इस तरह की बहुत सी सुरंगें इस किले में मौजूद हैं, पर अफसोस कि इन्हें अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया। राइट नाउ मैं एक और खजाने की ओर जा रही हूँ। तानसेन जी का टूम जो है या फिर मकबरा जो है आपके ग्वालियर में ही है, तो मैं वहां पर प्रस्थान कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैं जा रही हूँ एक खास जगह देखने और वो है तानसेन का मकबरा। और इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं फेमस ग्वालियर घराने के श्री मदन मोहन जी। ग्वालियर घराना जो शास्त्रीय संगीत के सबसे मशहूर घरों में से एक है। आपसे इस जगह पे मिलकर मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है, आपको क्या बताऊं। अकबर बादशाह के नौ रत्नों में खास मियां तानसेन के बारे में कहा जाता था कि जब वो गाते थे तो साथ पेड़ पौधे जानवर पक्षी सब मस्त होकर उनके सुर में सुर मिलाते। तानसेन जी ने स्वामी हरिदास जी के पास रह करके इतनी साधना की और उस साधना के जरिए उन्होंने पानी बरसाना राग मल्हार, हाँ राग मल्हार से और राग मालकों के इफेक्ट से पत्थर को पिघला देना, इस तरीके की ऐसी तमाम चीजों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। पंडित जी ने मुझे ये भी बताया कि तानसेन अपनी गायकी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक इमली के पेड़ की पत्तियाँ खाया करते थे। बिल्कुल सही मौका है इसे चखने का और आजमाने का। इमली का पेड़ दरअसल वो बहुत पुराना पेड़ था, तो वो पुराना पेड़ उस हाल में है। ओहो, और तो नया जगह पे अब ये नया पेड़ लगाया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ले लूं, खा लूं पंडित जी। चलिए बताइए आप क्या गाएंगे हमारे। एक बहुत पुरानी रचना है ग्वालियर की, राग मुल्तानी, इसी समय पर गाई जाती है। उससे कुछ होता है? उससे बहुत अच्छा, मन को बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अकबर बादशाह की तरह फील कर रही हूँ। नैनन में आन बान, नैनन में आन बान, कौन सी परी रे। पंडित जी को तानसेन का राग उन्हीं के मकबरे के पास गाते हुए सुनना एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस है सचमुच। रात श्याम की खड़ी रे, नैनन में आन बान। मुझे इस छोटे से शहर में कितने सरप्राइजेस मिले हैं, अब सोचिए, डाकू और महारानी दोनों से ही मुलाकात, पुराने और नए कल्चर्स का एक साथ आना। अब जब भी आप ग्वालियर आएंगे आपको पता होगा कि वो क्या चीजें हैं जो इस शहर को एकदम अनोखा बनाती हैं, है ना।